जिराफ भले ही लंबा क्यों ना हो लेकिन शेर उसे आसानी से मार देता है। इनके अलावा जंगली भैंस, वर्थोग, जेब्रा, वाइल्ड डॉग, हिप्पो और विल्ड बीस्ट को भी ये आसानी से मार देता है। तो आज जंगल का राजा इन्हीं को टारगेट करके अपना जलवा बिखेरेगा। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आपके हाथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं रुकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगली भैंसे शेर का पसंदीदा शिकार होते हैं क्योंकि इनका शरीर भारी होता है और ये फुर्तीले नहीं होते हैं, जिसके कारण शेर इनका शिकार आसानी से कर लेता है। यहाँ इस नदी के किनारे सैकड़ों भैंस मौजूद है, जिसकी खबर शेरों के झुंड को पता चल जाती है। भैंस के झुंड जब अलग अलग होकर नदी में पानी पीने लगती है तब ये शेर दबे पाव झाड़ी में छिप जाती है। लेकिन जब एक भैंसे को इनकी आहट की मौजूद होती है तो ये भागने लगते हैं। शेरों का झुंड बहुत चालाक था, ये भैंसों पर हमला नहीं करती है और भैंसे कुछ दूर भागने के बाद रुक जाती है और यहाँ आराम करने लगते हैं। अब यही शेरों के झुंड इन्हें आराम करता देख इन्हें चारों तरफ से घेरने लगती है और यहाँ शेर एक भैंसे को अपने ही इलाके की तरफ दौड़ाने लगती है और सभी शेर इस भैंसे को चारों तरफ से घेर कर इस पर हमला करने लगती है। जब ये शेर इस भैंसे पर हमला कर ही रही थी तभी इसका साथी इसे बचाने आता है और ये शेर झाड़ियों से छिपकर इस भैंसे पर भी हमला करने जाता है। यहाँ और भैंसे आ जाती है, उसमें से एक भैंसा इन शेरों पर हमला करता है लेकिन शेर वापस इसी पर हमला कर देता है तो सारे भैंसे भाग जाते हैं। उसके बाद सभी शेर मिलकर इस भैंसे को खाने लगते हैं और यहाँ पर एक जेब्रे का झुंड रहता है तो इसे देख एक शेरनी इनके तरफ बढ़ने लगती है और शेरनी के साथी भी इनके साथ आने लगती है। यहाँ पहुँचते ही ये झाड़ियों में छिप जाते हैं और सही टाइम का इंतजार करते हैं, पर जेब्रों को इनकी मौजूदगी की खबर लग जाती है और ये भागने लगते हैं। पर इन्हीं में से एक जेब्रे पर ये शेरनियाँ झपट पड़ती है और इसे लेकर खुले मैदान में चली आती है और ये सभी मिलकर इसे मारने लगते हैं। एक शेरनी इस जेब्रे का पिछवाड़ा नोचती है तो एक शेरनी इसका गला दबोचती है और ये सभी मिलकर इसे मार ही देते हैं। यहाँ इस जंगल में एक तरफ शेरों का परिवार बैठा रहता है तो दूसरी तरफ से भैंसों का झुंड आती दिखाई देती है और वो घासों की लालच के चलते इनके पास आ जाती है और वहीं शेरनियाँ भी इन्हें घेरना शुरू कर देती है, जिनसे लड़ने के लिए ये भैंसा इन पर हमला करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद इसके सामने शेरनियों का पूरा झुंड इसके सामने इकट्ठा हो जाता है और ये शेरनियाँ इस भैंसे को घेर कर इस पर हमला करने की सोचती है और ये भैंसा इन पर घूम घूम कर हमला करने लगता है, पर आखिर में ये भैंसा इन शेरों के हाथों मारा ही जाता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाए। यहाँ एक जिराफ पत्तियों को खा ही रहा था तभी ये तीन शेर इस जिराफ को देख कर अपना पोजिशन ले लेते हैं और बहुत ही खामोशी के साथ आगे बढ़ते हुए इस जिराफ पर हमला कर देते हैं। हमला होते ही ये जिराफ बहुत ही तेजी से भागने लगता है। ये जिराफ दौड़ते दौड़ते अपने इलाके की तरफ पहुंच ही गया था तभी एक शेर इस पर हमला कर देती है, जिसके बाद ये सभी शेर इस जिराफ को खाने लगते हैं। यहाँ विल्डरबीस्ट का झुंड इस नदी को पार करके दूसरे तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तभी ये शेरनी मौके का फायदा उठाना चाहती है, जहाँ ये शेरनी किसी न किसी विल्डरबीस्ट को टारगेट कर उस पर हमला करने लगती है लेकिन यह फेल हो जाती है और अंत में यहाँ बैठकर न जाने क्यों इंतजार करने लगती है। वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है। तभी ये शेर आता है और विल्डरबीस्ट के झुंड से एक विल्डरबीस्ट को दबोच लेता है। उसके बाद शेर इसे मुंह में दबाकर मारने चला जाता है। वैसे तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि हाथी अपने बच्चे को लेकर कितना अलर्ट रहते हैं और जब इनके बच्चों पर कोई शिकारी हमला करता है तब ये हथनी उनको मुंहतोड़ जवाब देती है, पर कभी कभी ये ऐसा करने में फेल भी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक शेरनी हाथी के बच्चे को अकेला देख इन घासों के बीचों से उस पर हमला करने में कामयाब हो जाती है और सभी शेर इसे मिलकर मारने लगते हैं। यहाँ एक बेबी हिप्पो को देखकर ये शेर उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये शेर जब उस पर हमला करना चाहता है तब ये हिप्पो उसका विरोध करती है और ये हिप्पो वापस भागने की गलती कर देता है। तभी शेर पीछे से इस पर झपट्टा मार देती है और इसके छाती में अपना दांत धंसाने लगती है, पर अकेले ये शेर इसे मार नहीं पा रहा था तभी एक और शेर यहाँ पहुँचता है। उसके बाद इस बेबी हिप्पो के शरीर का चित्रे चित्रे हो जाते हैं। यहाँ हाइना के बच्चे को घूमता देख ये शेर इनको मारना चाहता है, पर इस शेर को इससे भी बड़ा शिकार इसकी माँ दिखाई देती है और ये शेर उसके पीछे दौड़ लगा देता है और उसे दबोचते हुए उसे मार देता है। आज के लिए बस इतना ही था और ऐसे ही जंगल और एनिमल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।